गुरुवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 74 केंद्र पर 10,683 व्यक्तियों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के 6,220 लोग तथा 45 साल के ऊपर के 3,463 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,717 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,966 लोग शामिल रहे। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पर भी वैक्सीनेशन किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 साल से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सीएमओ ने बताया कि प्रथम डोज में कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को 84 दिन के बाद ही वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले लोग, अस्पताल के स्टाफ व सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। अभिषेक वैश, मैंने कोविन साइट से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और मैं दीवान बाजार गोरखपुर से आया हूँ। वैक्सीनेशन के बाद किस तरह का फील हो रहा है? वैक्सीनेशन के बाद नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सरकार से निःशुल्क करवा रही है क्या? जी बिल्कुल निःशुल्क है ये, और मैं जनता से कहूँगा कि ये आगे बढ़ के आए वैक्सीनेशन, अपना डोज ले। अरुण कुमार ठाकुर, सर मैं अभी कल करवाया हूँ और आज मेरा नंबर आ गया है और मेरा घर गायत्री नगर घर पड़ता है। अच्छा, वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार निःशुल्क लगवा रही है क्या? बहुत बहुत अच्छा पहल है सरकार का, और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इतने बड़े देश को फ्री में वैक्सीन लगवा रही है। शुभ्रा, कल रजिस्ट्रेशन कराए थे और आज मुझे मिल गया और हम गायत्री नगर से आए हैं। सरकार निःशुल्क करवा रही है क्या कहना? सरकार ये बहुत अच्छा मुहिम चलाई है जो सबको वैक्सीन लग रहा है और मतलब फ्री में लगवा रहे हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं है। जो भी लोग हैं, आम जनता जो भी हैं, सबको अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है। सरकार को लगा रही है, सरकार को धन्यवाद है। हाँ, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि वो मतलब अपना करें और लगवाएं, मतलब इसको आगे और बढ़ाएं अच्छे से। आलोक कुमार श्रीवास्तव, राजेंद्र नगर पश्चिमी से मैं आया हूँ और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ डायरेक्ट आया और रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार निःशुल्क लगा रही है क्या? सरकार निःशुल्क लगा रही है, लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए, 10 मिनट के अंदर वैक्सीन लग जा रहा है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, हमने डायरेक्ट यहीं आया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो गया और आज सेकंड डोज लगा पिछले 6 तारीख को। अच्छा, सरकार निःशुल्क लगवा रही है, ये वैक्सीनेशन क्या? जी हाँ, सरकार एकदम निःशुल्क लगवा रही है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगाने से ये फ़ायदा है कि आइए, आधे घंटे में वैक्सीन लग जाती। अनीता पाल, पहले तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, सब लाभार्थी आते थे तो बहुत ही हल्ला शोरगुल करते थे, अब तो झगड़ा भी हो जाता था पहले। अब तो मतलब ये है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्टर हो रहा है तो अपनी आराम से आते हैं, अपना वैक्सीनेशन करा के अच्छे से चले जाते हैं। इस संक्रमण के डर में आप लोग अपने आप को किस तरीके से बचा के रखती हैं और परिवार में भी जाती थी तो किस तरीके से डर लगता है या ऐसा हुआ? अब यहाँ से वैक्सीनेशन करने के बाद से अगर घर में जा रहे हैं तो बच्चों से भी दूरी बना के पाले जाते थे तो उन लोग को मतलब अपने से दूर रखते थे ताकि संक्रमण से उन लोग को दूर मतलब बचा जा सके।
वर्तिका वर्मा। पहले के अपेक्षा पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और अब जब से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है तब से अच्छा है, भीड़ भी कम है, सोशल डिस्टेंस भी हो रहा है, और बचाव भी है और काम भी सही से हो रहा है, भीड़ बहुत कम है पहले से। पहले संक्रमण का भी डर रहता था और भीड़ भी मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करके अपना लोग बुक कर रहे हैं, स्लॉट बुक कर रहे हैं, बुक करके आके अपना लगवा रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से सुविधा उनको भी मिल रहा है, सही तरीके से लग भी जा रहा है और ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है उनको। हम लोग दूरी बना के रहते हैं, दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज करते हैं और हर तरह से सुरक्षित अपने बच के काम करते हैं हम लोग। आज जनपद में 74 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें से 42 बूथों पर 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन रहा है, 2 बूथों पर अभिभावक स्पेशल वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें से एक बसंतपुर हमारी अर्बन PSC है और दूसरा हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसमें की वैक्सीनेशन चल रहा है। तो हमारा टारगेट जो है 14,000 का है आज का, हम लोगों का उत्साह है और हम देखते हैं कि 14,000 हम टारगेट मेंटेन करेंगे। हाँ, कोविशील्ड के लिए पहले हमारी गाइडलाइन थी 1 महीने की थी, उसके बाद वैज्ञानिकों के शोध के बाद इसकी 42 दिन से 58 दिन के बीच में हो गई, फिर थर्ड में ये बात आई कि नहीं, अगर ये 3 महीने से 4 महीने के बीच में लगाई जाती है तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट रहेगा, तो सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो लोग भी जिनका पहला डोज कोविशील्ड का लगा हुआ है वो अपने से काउंट कर लें कि उनका 3 महीने के बाद उनका वैक्सीनेशन 3 से 4 महीने के बीच में होना है, तो जिस दिन लगा उसी दिन से काउंट करके 3 महीने बाद आएँ, जिससे कि वहाँ वापस यहाँ आकर के उनको वापस ना जाना पड़े और भीड़ भाड़ से भी बचें, और वैक्सीनेशन तो सेकेंड डोज का होना ही होना है, तो समय से आएंगे तो उसका वैक्सीनेशन होगा।